मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि सीन क्या चल रहा है। खैर देखो, बगल में समोक हुआ होता है और मेरा टीममेट समोक में पेटी लूटने जाएगा। देखो क्या होता है भाई के साथ। Enemies ahead. तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक विराट न्यू गलत सीन से भरे पड़े इंटेंस पबजी दो मोबाइल गेम के वीडियो में, ठीक है। और इसमें यार ऐसे अजीबो गरीब सीन होंगे कि क्या ही बताऊं। समोक में एडजस्ट भी होगा, यहाँ पे कवर के पीछे भी नॉक होंगे। खैर जो भी होगा आपको देखने मिलेगा यार, आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है। खैर फिलहाल के लिए अपन जोर जा रखे हैं और लूट के नाम पे सस्ती गने मिलती हैं, तो वही चलाना चालू करता हूँ मैं। वैसे एक गन ढंग की है मेरे पे। और जब जब ऐसी चीजें होती है यार, तब तब मुझे लगता है मैं एक बॉट हूं, है ना। डैमेज दे रहा हूं, दो तीन बंदे भग के गए, दोनों को डैमेज दिया यार, नो कोई भी नहीं हुआ। खैर अंधा रस करता हूं मैं, टोपी नहीं है, हेलमेट नहीं है, लेकिन यार बॉट बन के नहीं रहूंगा मैं, पेलूंगा बंदों को। और आगे ये लोग यार वो जो उछलने वाली चीज है उसके मजे ले रहे थे पूरे, है ना, कंटेनरों में उछल रहे थे, और अभी के लिए नोक पड़े हैं। और आगे वाले बंदों को पेलने में मैं इतना मगन हो गया कि ये ही भूल गया यार अपने पीछे भी बंदे थे। खैर इनको मैंने डैमेज दिया था, एक की पेटी बना दी, तो मैं यहां आगे रस करता हूं क्योंकि यार दो बंदे नोक किए हैं, क्या पता टाइम पे पहुंच जाऊं और पेटियां भी बना जाऊं उनकी। और यहाँ पे अंदर फुल कैंपिंग चल रही है, ठीक है। ये जो बगल वाला बंदा था जो साइड में खड़ा था भाई, शॉटगन लेके बैठा है। खैर इसको मैं घुसते ही नॉक करता हूँ, मैं देखता हूँ यार बगल में भी एक बंदा लेटा है। मैं बोलता हूँ भैया बाहर भग लो, क्योंकि अगर बाहर भगता नहीं ना मैं तो ये लोग नॉक होके बाहर जाने नहीं देते यार, मेरी पेटी ही जाती बाहर। भले ही मेरे पीछे 10 टीममेट हो, मैं नहीं बच पाता। खैर मैं टाइम पे बाहर निकलता हूँ, इन सबकी पेटी बना दी, ये सोकॉट हिल चुके हैं मेरे ख्याल से, लेकिन आगे और भी बंदे बैठे पड़े हैं। और यहां मैं तैयार हो रहा होता हूं कि यार आगे से बंदे आएंगे, मैं धड़ पैड़ पेटी बनाऊंगा, ठीक है। मैं ठीपी भी लेके बैठा हूं, न जाने कहां से पीछे से एक बोट आ जाता है, उसके चक्कर में ये बंदे रस भी नहीं करते, तो मैं ही घुस जाता हूं इनपे। और ये लोग भी बिल्कुल मेरी तरह डेट है बिल्कुल, है ना। उसके मुंह के सामने एक उसका टीममेट नॉक करता हूं, लेकिन वो बंदा फिर भी लूट रहा होता है ऊपर। एक और है, लास्ट बंदा है। और ये सुन के यार, जब भी मैं ये सुनता हूँ कि यार लास्ट बंदा है जल्दी चलो, जोश टैप आ जाता है, तो मैं ऊपर से जा रहा हूं, लेकिन रिवाइव वगैरह हो जाते हैं ये लोग। और ऐसा सालों बाद हो रहा है कि यार जॉर्ज में दबा के बंदे आए हैं, है ना। दो सकॉर्ड को शायद मैं ठिला चुका हूं, लेकिन पीछे और भी बंदे थे जो मुझे ऊपर चढ़ने पे पेल रहे थे। खैर मैं टैम पे नीचे आता हूं, इन दोनों बंदों को पेल देता हूं, और यहां पे हमारे भाई नेट खींच के बैठे होते हैं। देखो किसे ठिलाते वो नेट से। एक पुलिस स्क्वाड आ रही है, तो बॉट था डैमेज दे दिए, तो हमारे भाई नेट फेंकते हैं और बॉट को पेल देते हैं नेट से। और लूट की लालच में भाई नोक भी हो जाते हैं, है ना। भाई ने नेट करके बॉट को पेला, सोचा यार कैसे ना लूटू मैं इसे, बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि यार मेरे नेट से अगर बॉट भी ठिल जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई ने भी सोचा होगा यार आज तो लूट के ही आऊंगा मैं। खैर बंदों ने नोक करके छोड़ दिया साइड में, और अब वो ऊपर से रस कर रहे हैं, संभालना पड़ेगा। और यार अभी मैं देखता हूं मेरे पे अभी तक एक हेलमेट नहीं है, ठीक है। अभी भी ये सस्ती सफेद टोपा पहन के मैं घूम रहा हूं, और एक हेडशॉट AKM का, और मैं यहीं पे निपट जाऊंगा, लेकिन पेल दिया जैसे तैसे।
और यहाँ पे इनके टीममेट्स के नाम पे कद्दू भी कोई नहीं होता है ना, तो यहाँ पे जोर्ज खाली हो चुका होता है। अगर इसके टीममेट थे भी तो देखो हमको भी पता है वो यहाँ पे कभी भी नहीं आने वाले। मतलब जब ये बंदे जिंदा थे और रस कर रहे थे तब वो लोग नहीं आए, तो यार पेटी बनने के बाद मुझे नहीं लगता कोई आने वाला है। खैर जो भी हो भाई लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जाके गलत सीन चालू होंगे, धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा गलत सीन। लेकिन उससे पहले हम धड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xBet, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स खेल सकते हो इसमें, और क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कद्दू बॉल सब पे बैट लगा सकते हो और अपने प्रिडिक्शन स्किल्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको 100% बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे कई सारे मिनी गेम्स भी खेल सकते हो और उससे भी पैसे अर्न कर सकते हो। तो हाँ यार, अगर आपको इस सब चीज़ का शौक है तो आप इसे ट्राई करके देखो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और इससे जीते हुए पैसे विड्रॉ करना भी बहुत आसान है, क्योंकि इसमें पेटीएम, पेपाल, गूगल पे, कद्दू पे सब कुछ है इसमें। तो हाँ यार ट्राई करके देखो, लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। अब उस बंदे को मैं हेड हुड दे देता हूँ, लेकिन यार वो बंदा नो को के नहीं देता और पूरी स्क्वाड बैठी है यहाँ पे उस भाई की। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यार मेरी M4 मुझे धोखा टैप दे रही है। मतलब वो पानी के बगल से जो बंदा भग रहा था, इतनी सारी गोली मारी भाई को, लेकिन नॉक को नहीं दिया। खैर एक नॉक किया है, अब सोचता हूँ यार दूसरा भी नॉक कर दूंगा। अब जिस बंदे ने मुझे नॉक किया उसको मैं 6 गोली मारा हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ढीठ हूँ, मैंने गिना है जाके पीछे गोली, 6 गोली पड़ी थी उसके। लेकिन यार 6 M4 की गोली खाने के बाद भी बंदा नौकरी हुआ, मतलब 1 हेल्थ बाकी होगी बंदे की। लेकिन भाई के पास थी कार 98, है ना, मतलब सकोप भी होगा यार। हम यहाँ पे लाल बिंदु पटकाए जा रहे हैं, कोई नहीं ढिल रहा है, लेकिन यार बंदा 1 गोली चलाता है और मुझे चुप करके यहाँ पे लेटा देता है, बिल्कुल नॉक हो जाता हूँ मैं। अब देखो फिर से वही सीन हो गए हैं, हील के नाम पे कद्दू कुछ नहीं है और हेलमेट भाई पूछो मत। ठीक है इस मैच में मेरे ख्याल से बस 5 मिनट पहरा होगा मैंने हेलमेट ढंग से, नहीं तो यार ये लोग हेलमेट उड़ा दे रहे हैं। खैर पीछे से एक फ्लैंक भी कर देता है बंदा उतने में ही। और आखिरकार जाके मैं किसी बंदे को नोक कर पाया, है ना। मतलब यार ये लोग घेर के पेलने की पूरी कोशिश कर देते हैं, एक पीछे से आ जाता है उसे मेरा टीममेट संभाल लेता है, एक दूर से कार 98 चटका रहा है और एक बगल वाले पेड़ में आ चुका होता है। अब देखो जो भी बैंडेज बुंडेज जो भी बचा होता है यार जैसे तैसे मैं पेलता हूँ, क्योंकि हिल के नाम पे अपने पे कद्दू भी नहीं होता, उसके ऊपर से हेलमेट भी नहीं है, मतलब 1 गोली लगनी है और मैं खल्लास। डैमेज दिया मैंने बहुत। अबे गाड़ी वो गाड़ी वाले दूसरे छोड़े। अब यहाँ पे हमारे भाई भी बोटो वाली हरकतें कर रहे हैं, है ना। भाई कहते यार डैमेज दिया मैंने उसे बहुत। अब देखो डैमेज से क्या उखड़ेगा मेरे समझ के पार है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अपनी टीम में अब 2 ऐसे बंदे हैं जिन पे हेलमेट के नाम पे कद्दू कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों पे सफेद टोपी पड़ी है। अब देखो मैं बोलता हूँ यहाँ पे वैसे भी ठिलना है ऐसे भी ठिलना है, यहाँ से मैं भगना नहीं चाहता था क्योंकि यार एक्शन चाहिए जिंदगी में। तो मैं बोलता हूँ कि यार एक और स्क्वाड आ ही गई है थर्ड पार्टी करने, तो क्यों ना हम इन पे थर्ड पार्टी कर दे। अब देखो 2 चीज होंगी, या तो दोनों स्क्वाड मिलके हमारी बेटी बना देंगी, या तो हम जैसे तैसे करके पेल देंगे और बच के निकल लेंगे यहाँ से। और एक बंदे को नोक करके ना पूरी जान में जान आ जाती है, जो टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। तो मैं बोलता हूँ भैया कद्दू नहीं रुकना, अंधा रस करो, जो भी होगा देखा जाएगा, बस रस कर दो इन पे। नहीं तो इधर है मेरा है।
और यहाँ पे हम जंगलियों की तरह रस तो कर गए हैं, लेकिन यार हम किसको पेल रहे हैं हमें कद्दू भी नहीं पता। क्या मैं उन बंदों को पेल रहा हूँ जो पहले से यहाँ थे, या जो थर्ड पार्टी करे हैं उन्हें पेल रहा हूँ? खैर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं तो यार गलत सीन हो जाएंगे। यार अलग अलग हो जाओ अभी थोड़ा ला। अब यार यहाँ पे पबजी मोबाइल गेम ने मेरा मजाक बना के रख रखा है, ठीक है, सिर्फ मेरा मजाक बना रखा है। आधे गेम में मेरे पास हेलमेट नहीं है, आधा गेम बीत चुका है, हेलमेट नहीं है अभी भी, ठीक है। दूसरी बात, हील के नाम पे कद्दू कुछ नहीं था, गोली भी खत्म हो गई थी। यहाँ पे अंधा रस करके मेहनत करके एक स्क्वाड ठिलाते हैं, कौन सी स्क्वाड ठिलाई हमें कद्दू नहीं पता, बस बंदे पेल दिए हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है यार, बिल्कुल मजा टैप आ गया, आखिरकार मैं लूटूंगा कुछ, मेरे पे भी हेलमेट होगा, सही जाएगी जिंदगी। उतने में ही भैया अपने ठीक ऊपर लाल जोन बनता है और सिर्फ मेरे पे फटता है, ठीक है। यहाँ पे तीन तीन बंदे बैठे पड़े हैं, किसी पे नहीं फटा लाल जोन, सिर्फ मेरे पे लाल जोन फटता है। उसके बाद मेरे टीममेट भैया ये नहीं किया कि रिवाइव कर दो भाई, लो लाल कद्दू लसन अपना ही चल रहा है भाई, उनका सीन, उनका अपना ही सीन चल रहा है, ठीक है। अच्छा हुआ यहाँ पेटी नहीं बनी, नहीं तो यार दुख बहुत होता, 16 किल करके मर जाना यार, दर्द होता है भाई, दिल पे दर्द होता है। वे उनकी गाड़ी उठानी पड़ेगी। अबे मेंटल एमसी है गेम में, मेंटल एमसी है गेम में। कौन है वो? अबे मेंटल गेम के लौंडे होंगे, और जो मुझे लग रहा है हैकर, तो वैसे लॉबी खाली हो जाती है इधर, तो है लगता नहीं लेवल से हैकर होगा। अब देखो मैं नहीं जानता यहाँ पे किसकी बात हो रही है और सीन क्या है, मुझे कद्दू भी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टीममेट बोलता है कि यार एक बंदा हैकर है, जो कि देखो मुझे नहीं पता वो है कि नहीं, लेकिन उससे अपनी फाइट होगी, तो आप लोग देखना और आप लोग खुद मुझे कमेंट में बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलोगे आप लोग बोलोगे, आपको क्या लगता है वो बताना, ठीक है। गलत सीन होंगे आगे जाके, लेकिन आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके बताना। तो किल फीड देखता हूँ यार, वो बंदा बहुत ही तगड़ा पेल्ला होता है, या तो हमारे भाई बहुत ही जहर खेल रहे हैं, मतलब पूरी लोबी की पेटी बनाने जा रहे हैं, भाई की भी काफी किल हो गए होंगे। तो देखो पंगा तो लेना ही था, तो मैं निकल पड़ता हूँ वहां पे जहाँ पे बंदे होते हैं। तो देखो यहाँ आगे वाले घरों पे बंदे बैठे होते हैं, मेरे ख्याल से ड्रॉप हुआ होता है यहाँ पे और हम पे गोलियां चलती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं चढ़ता हूँ ऊपर और पेलने की तैयारी में जुड़ जाता हूँ बिल्कुल ही। अब देखो ये जगह भी कुछ खास है, यहाँ पे बंदों से ज्यादा आपको झाड़ियां देखने को मिलेंगी। एक टाइम के लिए अगर सामने वाली झाड़ियों पे खड़े होगे ना, आप अपने आप को नहीं देख पाओगे। और देखो मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक झलक दिखी थी बंदे की, उसके बाद जो भी किया है मैंने अंधी फायरिंग पे किया है, ठीक है। मैंने बोला यहीं कहीं था बंदा, गोलियां पेल दो, जैसे तैसे करके वो नॉक हो गया, और उसका टीममेट कवर फायर भी तगड़ा दे रहा है बिल्कुल। अब देखो अगर आप मैप में देखोगे तो पीछे से गोली की आवाज आ रही थी, है ना, पीछे से कोई AWM पटका रहा होता है, और वो कौन होता है आगे पता चलेगा आपको। खैर मैं पीछे देखता हूँ, बोलता हूँ ठीक है यार क्या पटकाएंगे, काफी दूर खड़े हैं ये लोग, मैं आगे वाले बंदे पे रस करने बैठ जाता हूँ, है ना। और नॉक हुआ है तो यार रिवाइव भी होगा, लेकिन अपन फिर भी रस करेगा, और इसी चक्कर में गलत सीन हो जाते हैं। अब देखो जिन बंदों पे मैंने रस किया वो नहीं पेल पाए मुझे, लेकिन पीछे से जो AWM पटका रहा था यार पेल के रख देता है। तो यहाँ पे मैं नोक होता हूँ, लेकिन रिवाइव वगैरह मिल जाता है, अच्छा वह कवर में आ गया, नहीं तो वो रुक नहीं रहा था बिल्कुल भी। खैर मेरे पे भी खार 98 पड़ी होती है, तो मैं भी जोश में आ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार ये AWM चला रहा है, हम अपनी सस्ती खार 98 चलाएंगे। तो तुम्हारा भाई खार 98 निकालता है और गलत सीन हो जाते हैं। तो आओ जरा इस गलत सीन को स्लो मोशन में देखते हैं। मैं पिक करता हूं, ठीक है, जैसे तैसे करके मैं हेडशॉट पेलता हूं उसे। मैं कवर में वापस आ चुका हूं, मेरी मुंडी अंदर हो चुकी है अभी कवर के, ठीक है। कवर में थोड़ा और कवर में जाने के बाद तुम्हारा भाई नोक हो जाता है। अब देखो ये पबजी है ना, यहाँ पे कुछ भी होता रहता है, कवर में जाके भी नोक होते हैं, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, यहाँ पे मैं 100% शोर नहीं हूँ कि सीन क्या चल रहा है। खैर देखो बगल में स्मोक हुआ होता है और मेरा टीममेट स्मोक में पेटी लूटने जाएगा, देखो क्या होता है भाई के साथ।
enemies ahead. Le bhai, head de di. Maine tujhe pehle hi bol diya tha. अब देखो यहाँ पे भी मैं कद्दू कुछ नहीं बोलूंगा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या सामने वाला बंदा जो AWM चला रहा है क्या वो हैक हुक करके खेल रहा है, क्या उसने सस्ते हैक लगा रखे हैं, या फिर वो बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। ठीक है, जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट में बताना। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे सही बताऊँ मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि देखो पबजी एक ऐसा गेम है जिसमें कुछ भी सीन हो जाते हैं तो हाँ कवर में आके भी कई बार नॉक होते हैं। और हमारे भाई समूह के बीचों बीच पेटी लूटने गए थे और सीधा हेडशॉट पड़ता है। खैर समोक में एडजस्ट उडजस्ट भी हो जाता है तो क्या पता बढ़िया किस्मत चली हो, क्या पता महंगा स्नाइपर हो। आपको जो भी लगता है यार कमेंट में जरूर बताना। अब देखो ये पूरे के पूरे चार बंदे गाड़ी लेके अपने सामने वाले घर पे आ जाते हैं। है ना, दूर से स्नाइपिंग करके हमें 5-6 बार नॉक कर दिया, अब बिल्कुल क्लोज रेंज में आ चुके हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि भाई सीन क्या होगा यहाँ पे। और देखो हम बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं आगे रस करने के लिए, वो है उस बंदे को नॉक करना जो खतरनाक स्नाइपिंग कर रहा है। क्योंकि देखो उसको नॉक कर दिया तो शायद बाकियों को पेल पाए, क्योंकि यार बाकी बंदे कुछ कर नहीं रहे हैं ज्यादा, वही ढिलाया जा रहा है, तो उसे नॉक करना पड़ेगा सबसे पहले। और यहाँ पे हमारे भाई कतई अपनी महंगी स्नाइपिंग से उस AWM वाले बंदे को नॉक कर देते हैं। तो देखो एक बंदे की मैं पेटी बना चुका हूँ, AWM वाला बंदा जो जहर ही पेल रहा है हमें उसको नॉक कर दिया है, तो अपनी पूरी टीम फुल जोश में आ जाती है और अपन लोग फुल रस कर रहे होते हैं। मेरे को छोड़ के मैं यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ नेट से, है ना। खैर कोई नहीं, वो रिवाइव हो चुका है तो सही है यार, ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा पंगे होंगे, देखो क्या सीन होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से मैं बोट वाली हरकतें करने लगता हूँ, सिर्फ डैमेज दे पा रहा हूँ बंदों को। और हमारे ये भाई स्नाइपिंग के साथ साथ यार गन भी जहर चला रहे होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखता हूँ भाई, सीधा हेडशॉट देते हैं। मैं बोलता हूँ भैया यहाँ से कट लो, साइड पे जाता हूँ मैं, लेकिन हमारे भाई उसकी फायर पे आ जाते हैं। ठीक है, बंदा नॉक हो जाता है, मेरी आधी हेल्थ होती है, मैं बोलता हूँ यार अभी नहीं तो जब ही नहीं, रस कर दो इस पे। तो मैं एक आध हेडशॉट पेलता हूँ, सीधा सर पे पेलता हूँ और बंदे की तब तक गोली चलाता हूँ जब तक पेटी ना बन जाए। तो यहाँ पे अपना यार वो नारा इस्तेमाल करना पड़ता है, गोली चलाओ तब तक पेटी ना बने जब तक। और इनकी टीम का बस एक ही बंदा बाकी है और वो सामने घर पे बैठा है, तो उसे भी पिलना पड़ेगा, टाइम आ चुका है उसके ठिलने का भी। और यहाँ पे हमारे पास रुकने की कोई वजह ही बाकी नहीं है, है ना। तीन बंदों की हम पेटी बना चुके हैं, इनके आखिरी बंदा छत के ऊपर बैठा है, तो यार रस करना पड़ेगा, अब रुकने का कोई सीन ही नहीं होता। और जून भी आ रहा है और जून सही में बहुत गलत सीन कर देगा। अब देखो यार इन चारों बंदों की पेटी बना दी, लेकिन जोन हमारी पेटी बनाने को आ गया है ना। मैं फिर भी लूट रहा था यार बैठ के, लेकिन भाग लेता हूं मैं भी, ज्यादा डेट होना भी यार गलत सीन हो जाते हैं कभी कभी। और जोन काफी छोटा हो चुका है, यानी कि डैमेज दबा दबा के होगा। और भाई लोग मुझे कमेंट में जरूर जरूर 100% बताना कि आपको क्या लगता है, क्या वो बंदा खतरनाक प्लेयर था, कतई टॉप प्लेयर था, या वो गलत सीन करके खेल रहा था, है ना। आप मुझे बताना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सही में कंफर्म नहीं हो रहा है कि सीन क्या चल रहा है, आप मुझे बताना। और ये गलत सीन भी देखो, गाड़ी निकालने में टाइम लग गया यार, कोई ना तुम लोग। अब देखो खतरनाक बंदों को पेलने के बाद, चार चार बंदों को पेलने के बाद, ऐसे बंदे जो भैया समूह में एडजस्ट करके पेल ले हैं, उन्हें पेलने के बाद
जोन से आप ठिल जाओ कितना दुख होगा, है ना, वो भी अपनी ही मूर्खता की वजह से। यहाँ पे हमारे भाई न जाने क्यों गाड़ी के साथ मस्ती कर रहे हैं। ये नहीं कि यार भाग लूँ, तेज तेज भाग लूँ, जोन में पहुंच जाऊंगा, नहीं भाई, भाई को गाड़ी पे ही आना है। तो भाई गाड़ी में बैठते, फर्स्ट एड के नाम पे कद्दू कुछ नहीं था शायद, और इसी चक्कर में पेटी बन जाती है। और देखो जोन भी बहुत गलत जगह बना है, यह सनाया में बना है, यासनाया में बना है, और यहाँ पे यार गलत सीन होते हैं, मतलब कैंपिंग कुंपिंग दबा के होती है। और देखो यार किस्मत साथ होती नहीं इस मैच में बिल्कुल भी, कहीं से भी साथ नहीं होती किस्मत। रुक जा, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। ओह नाइस। अब देखो सारी चीजों का दुख अलग होता है, और घर के अंदर होके भी ठिल जाना, ठीक है, घर के अंदर अपना टीममेट होते हुए भी ठिल जाना, उसका दुख अलग जगह पे होता है, ठीक है, हर चीज में दर्द होता है, लेकिन यार इस चीज में भाई रोना आ जाता है। सोचो घर के अंदर बैठे हो, नॉक होते हो, बोलते हो कोई नहीं यार मेरा दोस्त यहीं पे है, मुझे रिवाइव बिल्कुल हलवे की तरह मिलेगा, मजाक है यार रिवाइव देना, और उतने में ही आपकी अचानक से पेटी बन जाए, सोचो क्या दर्द होता होगा। अब देखो सामने इसका टीममेट बैठा है और इसे मैं बेवकूफ बनाने की कोशिश करता हूँ। और भाई को पीक करने के लिए मैं उकसा टैप देता हूँ, है ना, मतलब यार मैं भी खड़ा हूँ देख के, भाई पीक ही नहीं कर रहा है। मैं बोलता हूँ यार गन हटाता हूँ, जरा कूदा फांदी करता हूँ, क्या पता बंदा पीक दे। तो मैं गन हटाता हूँ, कूदता हूँ, बंदा पीक करता है, मैं भी पीक करता हूँ, और भाई की पेटी बन जाती है। अब देखो इस पे गलत सीन भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो पीक के साथ प्री फायर देता तो शायद मैं ठिल जाता, लेकिन किस्मत सही थी, बच गए। और ऊपर ये जो अस्पताल है, पता नहीं क्या है, यहाँ पे भी बंदे बैठे हैं। और ये बेचारे लोग यार जोन में जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि मैं एक बंदे की पेटी बना देता हूं, और दूसरा बंदा भी बुरी तरह फंस चुका है। अबे यार, अब यहां पे भले ही मेरे टीममेट हंस रहे हैं ना, दांत फाड़ के हंस रहे, लेकिन यार मुझे रोना आ रहा होता है इस टाइम पे। मतलब ऊपर से कूदा, डैमेज दिया, बंदा नीचे गिर के ठुक जाता है, गिर के ठिल जाता है ना, बिल्कुल नोक पड़ता है। मैं बोलता हूँ कोई नहीं यार मैं पेटी बनाऊंगा इसकी, लेकिन वो बंदा भी बहुत चालाक होता है, वो बोलता है यार मैं इसे किल लेने नहीं दूंगा, और वो कवर में जाके जोन से ठिल जाता है। और अगर ये बंदा भी बच के कवर में चला जाता ना भाई, मेरा विश्वास हट जाता इस गेम से। तो देखो अभी गिने चुने 5-6 बंदे बाकी हैं जो कि आगे की साइड ही हैं, और यहाँ पे अब मुझे बस एक ही चीज चाहिए होती है, ठीक है, भले ही मुझे किल भी ना मिले, मुझे बस इतना चाहिए होता है कि यार एक बार के लिए, जिंदगी में एक बार के लिए ढंग से जून साथ दे दे यार, अपने ऊपर बन जाए, अपने ऊपर भी ना बने तो उनके ऊपर ना बने, कहीं कोने में जाके बन जाए, है ना। लेकिन यार अपने साथ गलत ही सीन होते तो हाँ यहाँ पे भी गलत ही सीन होंगे। अब देखो आगे फाइट फूट चल लिए तो मैं नेड नूट कर देता हूं, और नेड इतने सस्ते भाई घर के अंदर तक नहीं जाते वो। अब भले ही मेरे नेड अंदर नहीं गए, लेकिन यार दूसरा बंदा अंदर घुस जाता है घर के, है ना। तो देखो अब 4 बंदे बाकी हैं, और चारों के चारों एक ही टीम के होते हैं, और हमारे आगे ही बैठे पड़े हैं सारे। और यहाँ पे मैं देखता हूँ यार मेरे पे AWM भी पड़ी है, तो क्यों ना किसी को हेडशॉट पे लिया जाए। हाँ गलती से। अब देखो यहाँ एक बंदे को मैं गलती से हेडशॉट पेलता हूँ, है ना, लेकिन वो ठिलता नहीं है, नॉक हुए हैं भाई। तो इससे मुझे और भी साफ हो जाता है कि यार 4 बंदे बैठे पड़े हैं आगे। तो देखो अब जोन की तरफ देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है, जोन अपने पे नहीं बनाए, आगे 4 बंदे बैठे पड़े हैं, बीच में क्या है, कवर के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक खाली नंगी रोड है, और वो पार करके जाना पड़ेगा हमें आगे। नेड आ रहे हैं भाई, नेड आ रहे हैं भाई, आगे कर रहे हो लोग। अबे
से नॉक नहीं होना। अब देखो चारों के चारों बंदों को पता है कि हम दोनों यहाँ पे बैठे पड़े हैं, ठीक है। उन्होंने नेड कर लिया, उन्होंने गोली चला ली, अब पता नहीं क्या ही करना बाकी है। अब देखो जब गेम चल रहा होता है तब मैं ज़्यादा परेशानी में नहीं होता, मुझे लगता है कि जोन लेफ्ट में कहीं पे बना है ना, उन पे भी होगा थोड़ा सा, अपने पे भी होगा। तो यहाँ पे मेरे टीममेट बोलते भाई नशे से उतरो, क्या कर रहे हो, जोन तुम पे कद्दू भी नहीं है और वो लोग पे वो दीवार का कवर है, घरों का कवर है, और यार अपने पे तो स्मोक भी खत्म हो चुके हैं। अब यार यहाँ पे मैं क्या ही बहाना दूँ, ये तो मेरे समझ के भी पार है ना। मैं क्या सोच रहा था जब मैं गेम खेल रहा था मैं आपको बताता हूँ। तो देखो मैंने समो किया होता है, पेड़ पे जाता हूँ मैं, मुझे लगता है यार पेड़ तो होगा जोन में, पेड़ भी जोन में नहीं होता बिल्कुल, क्या ही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ठीक है यार थोड़ा जोन बैठने दो, तब आगे रस करेंगे, मैं स्मोक पे हूँ, मैं सेफ हूँ स्मोक में। लेकिन यार वो लोग अपनी सारी की सारी गोली, एक बंदा मैं पेल चुका होता हूँ उनका, तीन के तीन बंदे सारी गोली स्मोक पे पेल देते हैं और स्मोक में ही अपनी पेटी बन जाती है। बस यहाँ पे सोचो एक आधा सेंटीमीटर, ठीक है आधा सेंटीमीटर भी जोन अपना साथ दे देता यार शायद कुछ उखाड़ पाता मैं। लेकिन कोई नहीं यार, देखो 26 किल हो गए तो हाँ किल और केडी बच गई, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और उन बंदों को पहला जो खतरनाक जहर स्नाइपिंग कर रहे थे, तो यार अपना सपना सफल हो जाता है। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे मैं क्या ऐसा कर सकता था कि मैं बच पाता, तो देखो यहाँ पे मैं महंगे नेट कर सकता था, लेकिन यार नेट सस्ते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर मैं नहीं रुकता समूह में, आगे भगता और गोली चलाता तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन फिर से यार तीन तीन बंदे बैठे पड़े हैं, हलवा नहीं चल रहा यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है मैं क्या करता तो जीतता यार, मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर उन खतरनाक बंदों को पेलने के लिए, एक एक एचपी पे जिंदा रहने के लिए और बगैर हेलमेट जिंदा रहने के लिए यार लाइक जरूर पेलना, ठोक के नीला टैप कर दो लाइक के बटन को, पेल दो बिल्कुल ही। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपको क्या लगता है वो बंदा हैकर था या खतरनाक प्लेयर था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। कल मिलते हैं भाई लोग यार, बाय बाय।